बीते साल दुनिया के 100 से अधिक देशों से 84 बिलियन डॉलर का रिकॉर्ड FDI आया है। भारत ने बीते वित्तीय वर्ष में 417 बिलियन डॉलर यानी 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का मर्केंडाइज एक्सपोर्ट करके नया रिकॉर्ड बनाया है। साथियों, एक राष्ट्र के रूप में अब ये समय अपने साझा प्रयासों को कई गुना अधिक बढ़ाने का है। एक ऐसा समय है जब हम अपने फैसलों को सिर्फ 1 साल या 5 साल को देखते हुए सीमित नहीं रख सकते। भारत में एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, एक मजबूत और डाइवर्स वैल्यू और सप्लाई चेन विकसित करने के लिए हर किसी का योगदान आवश्यक है। सरकार अपनी तरफ से निरंतर नीतियां बना रही है, पुरानी नीतियों में सुधार कर रही है। अभी हाल ही में केंद्र की NDA सरकार ने अपने 8 वर्ष पूरे किए हैं। इन वर्षों में हम, जैसा भी योगी जी बता रहे थे, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र के साथ आगे बढ़े हैं। हमने पॉलिसी स्टेबिलिटी पर जोर दिया है, कोऑर्डिनेशन पर जोर दिया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जोर दिया है। बीते समय में हमने हजारों कंप्लायंस खत्म किए हैं, पुराने कानूनों को समाप्त किया है। हमने अपने रिफॉर्म से एक राष्ट्र के रूप में भारत को मजबूती देने का काम किया है। वन नेशन वन टैक्स GST हो, वन नेशन वन ग्रीड हो, वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड हो, वन नेशन वन राशन कार्ड हो, ये सारे प्रयास हमारी ठोस और स्पष्ट नीतियों का प्रतिबिंब है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।